विवेकानंद कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज जो मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है मे का यूज़ ऑफ मे। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियोज है उसमें हमने आपको कैन और कुड का यूज़ बताया है, ठीक है। और इस वाला वीडियोज में है वो यूज़ ऑफ मे के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझे, सबसे पहला जो यूज़ हम किया जाता है मे का, वो परमिशन देने के लिए, ठीक है। अनुमति देने के लिए जो है वह मे का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं इनसे एग्जाम्पल के लिए, तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहाँ का कैसा है, परमिशन देने के लिए है, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह गाना गा सकता है, ठीक ना, सी मे सिंग ए सॉन्ग, ठीक ना। तो ये सेंटेंस कैसा है, तो वह परमिशन देने के लिए है। तो आप समझ गए होंगे कि परमिशन देने के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे, आप पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी जो है वह आप मे का यूज़ कर सकते हो। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टूडे, और अक्सर आप पॉसिबिलिटी के लिए आप मे ही का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। वैसे हम डिफरेंस बताएंगे कि कहाँ पे मे का, कहाँ पर कैन का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। तो वो एक अलग से वीडियोज हम ला करके आपको देंगे। वैसे समझिए कि सब में आप पॉसिबिलिटी के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी आप आसानी पूर्वक कर सकते हो मे और कैन का यूज़। बट डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे आपको, जनरली यूज़ क्या किया जाता है। चलिए आगे हम समझते हैं कि डॉट या संदेह वाला वक्त वाला सेंटेंस में भी आप मे का यूज़ कर सकते हो। जैसे शायद ही रोगी बचे, ठीक ना। एक सेंटेंस हमने लिया कि शायद ही रोगी बचे, द पेशेंट मे नॉट सर्वाइव, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में संदेह भरा हुआ है कि शायद ही बचेगा, शायद ही वह परीक्षा पास कर सकता है, ठीक ना। तो ही मे नॉट पास द एग्जाम, ठीक ना, एग्जामिनेशन। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसमें डॉट भरा हुआ सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, अगला जो यूज किया, एक सेंटेंस और लेकर के आपको हम दिखाते हैं डॉट वाला, शायद आपकी गाड़ी छूट जाए, ठीक ना, यू मे मिस द ट्रेन, ठीक ना। तो ये सेंटेंस हमने देखा कि यहाँ पर भी जो है आप किसका यूज़ कर सकते हो, तो आप मे का यूज़ कर सकते हो। एक सेंटेंस देख के अगला यूजेज समझते हैं मे का, ठीक ना, विश वाला, होप वाले सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्या किया जाए, कामना की जाए या होप आशा की जाए, ऐसे सेंटेंस में भी जो है आप क्या कर सकते हो, तो आप मे का यूज़ कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम जीवन में सफल हो, ठीक ना। तो ये सेंटेंस कैसा है, विशेष किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई विश यू मे सक्सीड इन लाइफ, ठीक ना। तो ये सेंटेंस कैसा है, तो इसमें आपको विशेष किया जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं विशेष से रिलेटेड, भगवान मेरी मदद करे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि होप है, आशा है, ठीक ना, तो मे गॉड हेल्प, ठीक ना। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, मे गॉड प्रोटेक्ट मी, ठीक ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो इसको, ठीक ना। एक सेंटेंस आप समझते हैं, अगला यूजेज मे का यूजेज कहाँ पे किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। जब कभी भी डैट या सो डैट इन सब से अगर चालू हो क्लॉज, तो उस कंडीशन में आप जो है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मे का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई लेबर हार्ड सो डैट आई मे सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ठीक ना। मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन में पास हो सकूँ, इसीलिए मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, ठीक है। तो हमने समझा कि मे का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, अनुमति देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, डॉट भरे सेंटेंस में, विशेज और होप वाले सेंटेंस में, और साथ साथ हमने समझा कि जब कभी भी डैट सो डैट इन आउडर डैट इन सबसे जब सेंटेंस की शुरुआत हो, तो उस कंडीशन में आप मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियोज मेरा पसंद आता हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।